यहाँ पे हम ले लेते हैं ए वाली ग्रीन कलर। तो बेसिकली हम बना रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का एक एक डैशबोर्ड जो ऑलरेडी बना है, उसी को हम नकल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है सेक्शन टू। सेक्शन टू लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका आता है सेक्शन वन में, आपका जो आप देख पा रहे हैं ये आपका जे आपका बॉर्डर है। ठीक है, जे यहाँ पे फिल्ड ऑन है, यहाँ पे हेड काउंट दिख रहा होगा आपको। सर फिल्ड वन रिकॉर्डिंग आपका का ए से एनी ले, रिकॉर्डिंग जी, फिल्टर आपका जो है, ये फिल्टर वाला सेक्शन जो है ए से लेके आपका कहां तक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, 1 और 3। हाँ, ये आपका पूरा एक लाइन यहाँ पे है नीचे, तो ये आपका ए से बी से लेके जे तक। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे बी से लेके जे के, हाँ जे तक है, जे तक, इसको भी हम सेम कलर दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका लाइनिंग नहीं दिख रहा ना, पूरा इकट्ठा हो गया ना सर। तो पूरा सेक्शन को यहाँ पूरा सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और इसके बॉर्डर पे आते हैं, मोटा वाला बॉर्डर सेलेक्ट करके ऊपर दे देते हैं ब्लैक कलर, हो गया। अब के हमारा छोटा सा है, पतला है, यहाँ रख दिए, और फिर यहाँ आ जाता है, हमने यहाँ पे इसको मर्ज करना होगा, हमें यहाँ में लिखना है फिल्टर। ये फॉर्मेटिंग तो टफ नहीं था, ये तो प्रशंसा जी आप बना सकते थे। नहीं सर, मतलब इसमें भी कहीं कहीं पे सिलेक्शन वगैरह में उन सब में दिक्कत आ रहा था, जैसे भी आप बॉर्डर वाला बताए ना उन सब में, तो मैं भेजूंगी, जहां तक हो पाया था आप समझ जाएंगे कि क्या दिक्कत आ रही थी एक बार आप। इसके बाद जो यहाँ पे हेड काउंट है, ये हमने हेड काउंट ले लिए, हेड काउंट, और कलर भी वही होगा और ये वही होगा। अब यहाँ जो है कलर, ऊपर जो कलर हमने लिया हुआ है ना, सेम कलर होगा, मर्ज कर दीजिए इसको, और कलर भी बिल्कुल सेम होगा जो हमने लिया है यहाँ से, ये वाली कलर है, और ये आपका यहाँ पे हेड काउंट है, कलर व्हाइट, टेक्स्ट व्हाइट है। देन अगेन अब यहाँ पे भी हम हेड काउंट देते हैं, एक कलर, एक यहाँ भी आपको एक छोड़ना हो, नहीं इसमें बॉर्डर है, छोड़ना नहीं है, ये आपका एसी से लेके ए के तक, और फिर एक लाइन एक छोड़ा हुआ है, उसके बाद फिर एम से बाकी फिल्टर होगा। तो यहाँ पे हम एसी से लेके एन तक है ना सर, एक ये इतना देखना नहीं है, आप अपने अंदाज से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोग इसको नकल कीजिएगा, तो थोड़ा सा अकल लगा लीजिएगा। ये हमने दिया अपना हेड काउंट, उसके बाद एक छोड़ना है ताकि छोटा कर सके उसको, और सेम लेना है यहाँ पे, और इसमें हमें कलर, इसको ही सेलेक्ट करके मर्ज करके यहाँ पे लिखना है फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, ये सेक्शन हमें समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक मिनट जाइए,
अब यहाँ पे आपकी जो है पूरा फिल्ट्रेशन होगा, ये आपका यहाँ हेड काउंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एम्प्लॉय, तो यहाँ हम ऊपर ये ऊपर ही लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक एन से लेके पी तक, इसको करते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद इसका कलर, बैकग्राउंड कलर इसकी में ग्रीन किसमें लिया हुआ हमने, ब्लू लिया हुआ ना, ये लिया हुआ ना, ये वाली कलर है ना, एक और इस लाइन पे है ना, इसमें हो, ये भी ले सकते हैं, ये सही। अब यहाँ पे होता है हैश एम्प्लॉय EMP, एम्प्लॉयज। अब सेम चीज को मैं कॉपी किया और यहाँ पे हेड काउंट W है आपका, W पे पेस्ट कर दिया। सेम यहाँ पे आपका हेड काउंट है AF पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये नीचे जो है हमारा एक मर्ज है और इसकी बैकग्राउंड कलर हम व्हाइट कर देते हैं, और ठीक है। और यहां भी हमारा है, इसको भी बैकग्राउंड कलर व्हाइट, यहां से व्हाइट करना, व्हाइट एंड मर्ज, और इसको भी सेम हमें करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका जो है ये जो सेक्शन, इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच में यहाँ पे इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कीजिए, हेड काउंट हो जाएगा, इसको कॉपी कीजिए, ठीक, इसके नीचे पेस्ट कीजिए, फिर इसके नीचे पेस्ट कीजिए, तीन जगह पेस्ट हो गया सर। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सैलरी, सैलरी। अब सैलरी जो है वो सब पे सेम होगा, यहां पे हमारा सेम है। उसके बाद यहां अब जो है अब इसमें मुझे हेडिंग देना है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज करते हैं, ऐसे कलर व्हाइट देते हैं, अब इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, चार आना चाहिए ना, और नीचे तक सेलेक्ट करके मैं बॉर्डर दे देता हूं, ये हो जाता है हमारा मिनिमम, ये होता है हमारा मैक्स एवरेज AVG, ये हो जाता है आपका मैक्सिमम, ये हो जाता है आपका टोटल, ठीक है, एवरेज के टोटल, टोटल सर, तो ये एवरेज में बी हो गया, AVG हो गया एवरेज का, शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा है, फिर क्लास लंबा हो जाएगा ना सर, इसको पेस्ट किया, सेम इसको, सॉरी सर मेरी वजह से क्लास ये वाला थोड़ी हो रहा है, इसमें इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, ये तो ठीक है टी तक, यहाँ जो है वो दिक्कत है सर, दो ही तक आया ना, टोटल को मैं थोड़ा सा पकड़ के मर्ज कर देता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। अब इस पे यहाँ जो है आप दो दो रो को पकड़े और मर्ज करें, और यहाँ पे हमने दे दिया कलर, तो यहाँ पे जो लगेगा हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ओके सर, जी सर।
अब उसके बाद ये पूरा प्लेटफॉर्म यहां से कॉपी होगा और नीचे यहां पेस्ट होगा, फिर यहां नीचे पेस्ट होगा, चार होगा ना, सैलरी बोनस ओवरटाइम, सैलरी बोनस ओवरटाइम परफॉर्मेंस स्कोर एंड सिक डेज, समझे? तो यहां पे यहाँ पे सैलरी की जगह पे हो जाएगा बोनस, यहाँ बोनस जो है बाकी हर तीनों में चला चला जाएगा, और यहां भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां आपका आता है ओवर टाइम, ओवर तो ये आपका ओवर टाइम हो जाएगा, अब ये चीज को मैं अधूरा कर रहा हूं, पूरा आप लोगों को करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर, यहाँ पे ओवर टाइम हो गया, यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर होगा, पी स्कोर कर देता हूं मैं, पी स्कोर। इसके बाद यहां हो जाता है हमारा सिक डेज, सिक डेज। अब मैंने सिक डेज को यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट, यहां पेस्ट। ये हमने क्या बना लिया, यहां पे हमने अपना फॉर्मेट बना, फॉर्मेट बना, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ओवर देते हैं, लाइनिंग सब में लाइनिंग बराबर आ गई क्या सर? हाँ सर। ओके, ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, ये दो मर्ज क्यों हो गया, देखिए गड़बड़ हो गई ना, ये पूरा मर्ज होना चाहिए था, ये फिर पूरा मर्ज, इसको पूरा मर्ज करना था हमें, ये पूरा मर्ज करना, कॉपी करके हम, नहीं सर गलत हो रहा है शायद, नहीं सर अब सही है, पहले गलत था, टोटल होगा तो ना मिनिमम होगा, यहाँ पे इस तरह नहीं दिख रहा, यहाँ से नीचे से आ रहा है ऊपर लाइन, नहीं हाँ लेकिन मिनिमम एंड एवरेज के बीच में ही हो रहा है ना, अभी हाँ, ये पहले वाले को सही कर दिया, दूसरे वाले को सही करना है, कर लेंगे सर, आप थोड़ा सा और आगे बता, इसको सेलेक्ट करके हमने कर दिया, इसको सेलेक्ट करके कर, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट, 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 अब सर मैक्सिमम पे क्या हुआ, मैक्सिमम में चला गया वो बॉक्स, इस बार मर्ज करे करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको हो गया और ये हो गया, ये इसको अनमर्ज करते, जरा सिलेक्ट हो गया था ना, अनमर्ज, हाँ सही है, वही वही लग गया था ना सर, अब सही है ना सर, अब ठीक लग रहा है सर। सर लेकिन मिनिमम एंड एवरेज टोटल मर्ज होगा क्या, क्या अभी बॉर्डर है, मर्ज नहीं हुआ है, इसके अंदर बॉर्डर देने से आ जाएगा, हाँ अच्छा बॉर्डर है मतलब, सही है ना सर, हाँ हाँ हाँ, टेस्ट 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 टेस्ट, अब सही है, अभी हमारा फॉर्मेट हो गया तैयार। अब बात करते हैं अपना फिगर का, तो हमें इसमें टोटल फिगर ए फिगर करना है, तो इसमें क्या चाहिए हमें, यहाँ पे साइड में हम रख देते हैं, पहले तो हमारा होता है टोटल का, ठीक है, टोटल का यहाँ पे दे रहे हैं, तो टोटल का हम यहाँ पे क्या, हमें क्या क्या चाहिए डैशबोर्ड में, ये चाहिए ना,
क्या सर, राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल और हम यहाँ पे वैल्यू ट्रांसपोज कर देते हैं, हो गया जी। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए मिनिमम के लिए, मिनिमम का फॉर्मूला। अब मिनिमम में क्या क्या, अब क्या क्या चाहिए, क्या क्या सैलरी चाहिए, ये रहा सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, और चाहिए सिक डेज एंड परफॉर्मेंस स्कोर। परफॉर्मेंस स्कोर पहले रखिए, सिक डेज को बाद में रखिए, ताकि वहां दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा मिनिमम में सैलरी, मिनिमम सैलरी मैक, यहां पे एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी एंड टोटल सैलरी, समझ गए। सेम कॉपी करेंगे, मतलब सारे जितने भी नाम हैं टोटल का बना रहे हैं ना, टोटल सिस्टम का ये रहा ना, बीच बीच में जो टोटल आ रहा है ऑल एम्प्लॉय का, जी जी ठीक है। अब इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो ये आपका बोनस का आ गया, फिर इसको कॉम को पेस्ट करते हैं, ये आपका ओवरटाइम का आ गया, आ गया ओवरटाइम का, फिर इसको पेस्ट करते हैं परफॉर्मेंस का, तो ये गलत आया क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस यहाँ है ना, वैल्यू, हाँ वैल्यू, हाँ तो मुझे रेंज को चेंज करना होगा, तो मैं माउस से हटा के चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे सी रेंज का चाहिए, पेस्ट किया, यहाँ पे जीरो आ रहा है क्योंकि आगे बढ़ गया है, तो हमें इसको सी रेंज में रखना है। ठीक है जी सर, ये हमारा डेटा आ गया। हालांकि ये जो चीज हम यहाँ लगाए ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय में काउंट है, तो मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला, काउंट ए का फॉर्मूला लिया, डेटा वन में गया और नेम में लगा के माइनस वन कर दिया। अब माइनस वन क्यों किया इसमें सर, क्योंकि तो काउंट ए का जब फॉर्मूला लगाया तो उसने हेडिंग को भी काउंट कर लिया, इसलिए माइनस हमें लगाना पड़ा। अब इसको सेंटर कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं सर, कुछ बोले सर, यही कह रहा था सर, ये माइनस का इसीलिए लगाया। हाँ तो वन किया ना सर, काउंट ए हेडिंग को भी काउंट कर लेगा ना, हाँ हेडिंग के लिए माइनस वन लगाया बोल सर। अब इसमें मुझे मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट में चाहिए मिनिमम, हमने इक्वल प्रेस किया, डेटा में गया, ये आपका सैलरी मिनिमम एंटर प्रेस किया, एवरेज यहाँ पे एवरेज सैलरी गया वन में, यहाँ पे सैलरी का एवरेज एंटर प्रेस कर दिया, फिर अगेन इक्वल किया, डेटा वन पे गए और हमने मैक्सिमम, और यहाँ पे हमने डेटा वन में गए टोटल, हो गया सैलरी का। क्या बोले सर, सर ये वैल्यू फ्रीज करना पड़ता है ना, जैसे नहीं जरूरत नहीं है, मैं ड्रैग थोड़ी करें, तो मैनुअली एक एक करें, नहीं 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 इसमें यहाँ यहाँ पे तो नहीं करने की जरूरत है, हमें ड्रैग थोड़ी कर रहे हैं, हम एक एक करके कर रहे हैं, इक्वल लगा के हो जाता है सर ऐसे तो, हाँ इक्वल लगा के ही कर रहे हैं, इक्वल कर वो नहीं फ्री देखिए, एक एक करके करना पड़ रहा है ना हमें, क्योंकि अलग अलग रेंज है ना इसको, मर्ज सेल है तो हम ड्रैग भी नहीं कर सकते ना। सेम मिनिमम उठाया हमने तो इसमें नहीं, यहाँ ओवर टाइम, अब यहाँ पे ओवर टाइम लिए और ओवर टाइम इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, फिर एवरेज में गए, इसको सेलेक्ट किया, फिर मैक्सिमम के लिए गए डी वन में, मैक्सिमम को सेलेक्ट किया, फिर टोटल में गए और टोटल को सेलेक्ट कर लिया। उसी तरह से आपका परफॉर्मेंस स्कोर में गए, पहला सेलेक्ट किए, मिनिमम यहाँ पे आपका हो जाता है मैक्स एवरेज, फिर हो गया मैक्सिमम,
फिर हो गया आपका एवरेज टोटल, ठीक है। और सीक डेज में भी सेम हमें करने, तो यहां जस्ट आपको इक्वल करना है, इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि मैनुअल करने में भी आप लोग सकपका गए, तो ऑटोमेशन कैसे करेंगे, इसकी सेंसर मुझे लगी हुई है, पता है रात को मैं सो पाऊंगा कि सो पाऊंगा। कि आप लोगों ने इस तरह के बस मैनुअल वर्क में आप लोगों के से नहीं हो पाए, ये हो गया सर। अब इसको सिलेक्ट करके मैं सेंट्रल कर देता और इस पे मैं करेंसी का यहाँ पे यहाँ इससे ऊपर हमने करेंसी का सिंबल लगाना है, रुपीज का सिंबल मैंने यहाँ से लगा दिया, सेलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं ताकि ऑटो फिट हो जाए। नहीं, इसमें डबल क्लिक नहीं हुआ क्योंकि मर्ज है, तो हमें मैनुअल करना पड़ेगा। सॉरी मैनुअल यहाँ पे एक दिक्कत है, मैनुअल करना पड़ेगा तो ठीक है, डेसिमल प्लेस से जीरो कर देता हूँ, मैक्सिमम को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसको एक काम और कर देते, सिंक टू फिट कर देते तो इसी में आ जाता। अब बारी आती है आपका सेक्शन वन का, तो सेम चीज यहां से हम कॉपी करते हैं, नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। कर दिए सर? जी सर। लेकिन इसमें सेक्शन वन, और इसमें हम फॉर्मूला सम का नहीं लगाएंगे, इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, हालांकि ऊपर भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यहां पे लगेगा फॉर्मूला एग्रीगेट का या फिर सब टोटल का, समझे, सब टोटल का भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट फॉर्मूला लेटेस्ट फॉर्मूला है लगा सकते हैं। इसमें मुझे क्या करना है, मिनिमम निकालना है, तो फाइव नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब पूछता इग्नोर, तो हमने बोला हिडन एंड एरर वैल्यू। अब पूछते यहाँ पे रेफरेंस देना होता है, तो हमने सैलरी का रेफरेंस दे दिया, आ गया। अब इस फॉर्मूले को जस्ट मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो आपका सेवन, यहाँ पे जो फाइव नंबर है ना, इसको एवरेज के लिए मुझे वन को सिलेक्ट कर देना है, सेम यहाँ पे हमें करना है। और इसमें इस बार जो है जो फाइव था उसको क्या कर देना है, उसमें क्या है मैक्सिमम है तो मैक्सिमम दे देना है। और फिर यहां पे आता है टोटल, तो इस बार सम के लिए 11 सिलेक्ट करना होता है, सर 9 सिलेक्ट करना, हो गया सर? जी सर। अब इसको कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करें, यहां पेस्ट करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं, सिंपल सर। अब मुझे इसमें बोनस के लिए सही है, ओवरटाइम भी सही है, यहाँ परफॉर्मेंस के लिए आपको बस मुझे इसको लेके जाना होगा, ठीक है। सिक डेज तो सही है इसमें, हो गया। अब इसके ऊपर हमें स्लाइसर लेना है, तो यहां पे स्लाइसर से पहले मुझे यहां डीएस पे यहां पे इसको लिंक करना होगा ना, तो यहां पे सैलरी डीएन वन में सैलरी को मिनिमम सेलेक्ट कर लिया, एवरेज एवरेज सेलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम हमने यहां पे मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया, और टोटल हमने यहाँ पे टोटल सेलेक्ट करें। उसी तरीके से आपका बोनस है, जाएंगे बोनस में, बोनस को सेलेक्ट कर लिया, डेटा वन पे एवरेज मैक्सिमम टोटल, उसके बाद फिर यहाँ पे मिनिमम आपका आता है, मिनिमम इसमें ओवर टाइम में सेलेक्ट करता हूं,
उस तरह से आपका परफॉर्मेंस स्कोर इक्वल दबाना भूल गया था और टीम लास्ट में सिग्नेच और फिर यहां पे हम चलिए जो हम अलग अलग किए ना सब सारा फॉर्मूला इकट्ठा यहाँ भी लगा सकते हैं ठीक है सर, लेकिन उस पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं किया है। थोड़ा सा और बेटर दिखाने के लिए मैं इसका बॉर्डर लेता हूँ यहाँ पे और ये राउंड बॉर्डर जो है ना मोटा वाला ठीक जो होता है वो लगा देता हूँ ताकि इसको और अच्छा तरीके से आपको फील लगे। एक सेक्शन हो गया, अब हम करते हैं इसमें स्लाइसर इंसर्ट। इंसर्ट यहाँ टेबल में यहाँ पे स्लाइसर और मुझे स्लाइसर में क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, मुझे चाहिए यहाँ पे सैलरी, मुझे चाहिए बोनस, मुझे चाहिए ओवरटाइम, मुझे ये सिक डेज एंड परफॉर्मेंस स्कोर, ये पूरा का पूरा चाहिए ठीक है। हमने ओके किया और सारा को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया और यहां से मैं कट कर दिया। कट करने के बाद चला गया एक्सेल अपने शीट में, यहां पेस्ट किया। अब सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो मैं यहां पे डिपार्टमेंट लेता हूं और इसको जो है यहां तक मैं ड्रैग कर देता हूं और इसके अंदर जो है हम दो कॉलम ले लेते हैं। ऊपर देखिए कॉलम का ऑप्शन भी होता है स्लाइसर में, तो दो कॉलम हम यहां से ले लेते हैं ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी को, सैलरी को भी लेते हैं यहां से, इसको भी जो है ड्रैग करते हैं मिनिमम तक। इसकी जो है तकरीबन मैं चार लाइनिंग ले लेता हूं, चार कॉलम। थोड़ा सा ड्रैग करना होगा ठीक है आ गया। इसको जो बीच में गैप हो रहा ना, गैप नहीं दिखना चाहिए, पूरा सटा दीजिए। इधर गैप दिखना चाहिए बट इधर गैप नहीं दिखना चाहिए। ठीक है अलाइन कर देंगे बाद में। उसके बाद बोनस को उठाता हूं मैं, बोनस को मैं रखता हूं यहां पे और यहां पे रखता हूं, बोनस को रखा और यहां इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, छोटा कर देता हूं और यहीं पे लगाता हूं। बोनस को भी मैं दो लाइन कर देता हूं, स्लाइसर टू लाइन। उसके बाद हम यहां ओवर टाइम को यहां रखते हैं, इसको भी मैं स्लाइस यहाँ पे स्लाइसर्स टू लाइन कर देता हूँ, तो टू थ्री नहीं थ्री कर दिया, टू हो गया। इसकी भी हाइट यहाँ से उठाता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है जी सर। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर, परफॉर्मेंस स्कोर के भी स्लाइसर में पांच लाइनिंग कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट करके और छोटा
और यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं स्लाइसर में 5 कॉलम दे देता हूँ और इसको भी छोटा कर देता हूँ। हो गया मैम, इसको अरेंज कर लीजिएगा, इसको सबको सेलेक्ट करके एक सीध में अरेंज करना होता है, ठीक है? तो अरेंज आप तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए मैं अकाउंटिंग सेलेक्ट किया, एक्चुअरी को अकाउंटिंग अकॉर्डिंग हो गया, आईटी अकॉर्डिंग हो गया सर, समझे? यस। यहाँ पे हटा दीजिए, ये क्या है सर, शो आइटम्स विद नो डेटा लास्ट, इसमें हमने कर दिया विजुअल, तो जो डेटा नहीं होगा वो आइटम में ही दिखेगा। अच्छा, लेकिन दिखा दिख रहा है, लेकिन इसमें इसमें करना चाहिए, इसमें इसमें करना चाहिए। उतना ही डेटा दिख रहा है जो है, जो डेटा नहीं है ना वो देख नहीं आप दिख रहा है ना आपके। हेलो जी, समझ में आया? अब इसी कॉलम को एक बार हम और कॉपी कर लेंगे, समझ गए? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अब इस बार यहाँ पे D2 डेटा 2 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करना है कि अब DS के अंदर में ये जो दिख रहा है ना, इसकी लिंकिंग हम D2 से करेंगे और फिर D2 के ऊपर चार्ट लगाएंगे और फिर चार्ट का जो है यहां से करेंगे, समझे? समझ में आया सर आप लोगों को? अभी तक तो सर समझ में आया, बट ये चार्ट वाला नहीं आया समझ में, आप क्या कह रहे हो? चार्ट मतलब चार्ट थोड़ी है, तो मतलब D2 बोल रहे हो ना, D2 में मतलब सीट दूसरी सीट कॉपी कर ली, सेम सीट कॉपी कर ली मैंने इसमें, समझे? हमने एक सीट देखिए, एक ही डेटा को दो कॉपी कर लिया, और एक स्लाइसर जो है एक सेक्शन 1 का स्लाइसर D1 से हो जाएगा और सेक्शन 2 का स्लाइसर जो है डेटा 2 से हो जाएगा, समझ गए? ये जो फॉर्मूला आपका D1 से लगा हुआ है, ये फॉर्मूला आपका D2 से लग जाएगा। ओके सर, इसको फटाफट कीजिए आप लोग, ठीक है जी? तो मिलते हैं कल सेम टाइम जी सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच।